नमस्कार, जय जोहार साथियों। पूरे देश में चारों ओर ये गोदी मीडिया ने हल्ला मचा रखा है कि संसद भवन में स्मोक पाउडर फोड़कर युवक ने संसद में कोहराम मचा दिया। साथियों, ये सभी चैनल जितने भी हैं ये सभी इस तरह लगे हुए हैं जिस तरह जैसे एक आतंकवादी का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो साथियों, ये युवक बहुत ही साधारण, बहुत ही मामूली, कोई ऐसा युवक नहीं था इसमें जो किसी आतंकी गतिविधियों में शामिल हो या फिर उसका किसी आतंकी ग्रुप से लेना देना हो। लेकिन साथियों, यहाँ पर सवाल बड़ा ये उठता है कि ये न्यूज जो गोदी मीडिया है यह किस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम करती है। वहाँ आवश्यकता थी यह जानने की कि आखिर ये युवा जो हैं वह आखिर संसद में ऐसा कृत्य करने को मजबूर क्यों हुए, ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या है। लेकिन यहाँ पर सभी न्यूज़ चैनल ये दोहराने पे लगे हुए हैं कि आज ही के दिन संसद भवन पर हमला हुआ था, वह आज उसकी बरसी है, आज उसके एवज में यहां पर ऐसी घटना दोहराई गई है। साथियों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में कानून व्यवस्था भी है और इसके अलावा हमारे इस देश में एक ऐसा ढांचा भी है जो हमारे लोगों को सुरक्षा मुहैया कराता है, न्याय की बात करता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे ये जो घटना हुई है इसके पीछे का उन युवाओं का मकसद क्या था, क्या वह किसी आतंकी गतिविधि में लिप्त थे या वह ऐसा आतंकी कार्य किए हैं जिससे वहाँ पर जान माल को खतरा हुआ है। तो सबसे पहले वो मकसद समझना चाहिए कि उसके पीछे उनकी नीयत क्या थी। साथियों, इस नीयत की बात कोई भी गोदी मीडिया का चैनल नहीं कर रहा है, बल्कि वह होड़ में लगे हुए हैं कि वह जो स्मोक पाउडर का जो पैकेट था जिसके अंदर वो बंद था स्मोक पाउडर, वो धुएं वाला पाउडर, कलर वाला पाउडर, वह उसे लेकर एक दूसरे से छीन झपट रहे हैं और यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सबसे पहले हमें मिला और उसके बारे में वो बताना चाहते हैं। लेकिन किसी भी गोदी मीडिया का यह चैनल यह बताने को तैयार नहीं है कि उन युवाओं का इसके पीछे मकसद क्या था। अब यहां पर सवाल उठता है कि संसद की सुरक्षा के लिए भारी खतरा, अगर वो वहां पर प्रवेश कर गए हैं ये भारी खतरा तो है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन इससे जो सरकार की कमियां हैं उसे सुधारने का मौका मिला कि इन जिनका मकसद केवल केवल सरकार का ध्यान बेरोजगारी की तरफ आकृष्ट कराना मात्र था और उसके लिए उन्होंने एक बड़ी कमी को सामने लाकर खड़ा कर दिया कि वह उसको सुधार सकते हैं। यही अगर कोई दुश्मन देश का आतंकी कर गया होता तो आज हमारे देश में हमारे संसद भवन की दुर्दशा क्या होती, यह सोचने लायक है। लेकिन यहां पर उन युवाओं ने इस तरफ ध्यान आकृष्ट कर दिया तो हमें भी चाहिए कि उन्होंने जो ये कार्य किया है यह दुस्साहस भरा है, यह दंडनीय है, लेकिन उनके पीछे उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं, इसे पहले जानना होगा कि इतनी बड़े कृत्य वह अपने प्रदेशों में ना कर वह सीधा संसद भवन पहुंच गए, आखिर क्यों, यह सवाल उठता है। कि दूसरी तरफ सोशल मीडिया में पूरी तरह से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत कृत्य किया, उन्हें जनसमर्थन इकट्ठा करना चाहिए था अगर वो बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं। तो आप सभी ये सब जानते हैं कि पूरा देश ईवीएम से त्रस्त है, लेकिन क्या आवाज की कोई उठा पा रहा है या आवाज किसी की बन पा रही है या किसी की आवाज सुनी जा रही है। 69,000 शिक्षक जो धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज किसी ने सुन ली? आखिर वह पिछले 2-3 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी आवाज सुनी गई?
पिछले 110 दिनों से डॉक्टर रितु जंतर मंतर के पास धरना प्रदर्शन कर रही हैं, वहां क्या उनकी सुनी गई? तो कौन सा जन समर्थन ये युवक जो मामूली है, जो रिक्शा चला रहा है, लखनऊ का रहने वाला है, रिक्शा चला रहा है, वह कौन सा जन समर्थन इकट्ठा कर लेगा? तो ये जो पढ़े लिखे लोग उच्च कुर्सियों पर बैठ गए हैं, अपने आप को डॉक्टर प्रोफेसर और नेता सांसद विधायक कहला रहे हैं, ये विरोध करने के लिए लिखने चले आते हैं, लेकिन क्या वह समझते हैं कि क्या ऐसे जो घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं या जिनकी जो अधिकारों की मांग है, क्या उनकी वो अधिकार पूरा दिया जा रहा है? तो अगर उनका अपनी डिमांड रखने का मकसद गलत था, उनकी राह गलत थी, लेकिन मकसद उनका सही था, तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना है कि उनका मकसद क्या है, नीयत क्या है। हमें उनकी नीयत को समझना होगा और नीयत के अनुसार उन्हें दंड का भी विधान करना होगा, क्योंकि आज जिस तरह से पूरे देश में बेरोजगारी का माहौल है और जिस तरह से जो युवा लोग हैं उन युवा लोगों को रोजगार के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है, सरकारें वैकेंसी निकालती हैं, उसके बाद उसमें नकल का कोई काम आ जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद निरस्त कर दिया जाएगा, और कितने तो एग्जाम हो चुके अभी तक रिजल्ट उनके नहीं निकले हैं, तो ऐसे युवाओं के भविष्य को कौन सा जन समर्थन इकट्ठा करेंगे? जितने पीड़ित हैं वही तो वहां जाएंगे, और पीड़ित में भी कुछ इस डर से बैठ जाते हैं कि मैं वहां गया और लाठी खाने को मिलेगी, और ये लाठी अभी 69,000 शिक्षकों को मिली थी, वो जा रहे थे धरना प्रदर्शन के लिए करने के लिए, तो उन्हें वो लाठी मिली थी, उन्हें घसीट घसीट कर बसों में भरा गया था। तो वहां पर जो मामूली से लोग गए हैं उनमें से सबसे पहले ध्यान देना होगा कि वह एक रिक्शा चालक था जो वहां के अंदर गया और जो उसने स्मोक, वो जो स्मोक बम था उसको फोड़ा वहां पे, बम तो नहीं कहेंगे उसे, स्मोक कलर था उसको वहां पे फोड़ा, और उसको फोड़ने के बाद ये अफरा तफरी मची। तो सोचना चाहिए था कि एक रिक्शा चालक कितना बड़ा दिमाग रखता है, वह कितने बड़ा जन समर्थन इकट्ठा कर लेगा, लेकिन वह त्रस्त था, उसकी त्रस्तता को ध्यान में रखते हुए, वह एक युवक की नहीं है, वह पूरे भारत की त्रस्तता है, और आज पूरे भारत का बेरोजगार अगर इस जो युवक ने दुस्साहस किया है, इस दुस्साहस में उसका साथ ना दिया, जो उसका सागर नाम है और दूसरे का मनोरंजन डी नाम है, इन्होंने जो दुस्साहस किया है, इस दुस्साहस के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके उन दोनों के उसके पीछे जो भावनाएं हैं, उस भावनाओं की कद्र पूरे देश को करनी चाहिए, पूरे संसद सांसदों को करनी चाहिए, लेकिन इन अबोध बालकों ने, जिसे अबोध कहेंगे, जिसे ज्ञान नहीं होता, अशिक्षा से परिपूर्ण होता है जो, उसे क्या अपने इन गुनाहों का, जो जिसे बोलते हैं हम, ये भान होता है कि हमें ये सजा मिलेगी, उन्हें इतनी बड़ी सजा का सोचा भी नहीं होगा, लेकिन यह रिक्शा चालक और जो दूसरा लड़का था साथ में, ये लोग गए वहां पर, उन्होंने ये दुस्साहस किया, लेकिन उस दुस्साहस के बाद वहां पर बैठे हुए आप सभी माननीयों को देखिए, जिसे जनता ने चुन के भेजा है, वह सांसद सभी के सभी जो उस सागर शर्मा के पास थे, वह सभी के सभी उसके ऊपर पिल पड़ते हैं और उसे वहीं पर मारने पीटने लगते हैं। तो आप सभी देखिए दोनों में फर्क क्या है, एक तरफ वो गलती करने आया है, उसने वहां पे रंग छोड़ा, और इधर जितने सांसद हैं यह सभी उसे पकड़कर मारने लगते हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, यानी बिल्कुल यह समझिए कि जैसे हमारे एक पड़ोसी और दूसरे आतंकी, या यूं कहे कि दो झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति आपस में हो, तो दोनों का नेचर तो एक ही हुआ। जब यहां पर दोनों का नेचर एक है तो कैसे कहा जा सकता है दोषी वही है? हमें समझना होगा अपने समाज के लोगों को, हमारे समाज में ये जो हो रहा है, यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये विरोध के जो तरीके नए नए ईजाद हो रहे हैं, इसके पीछे जब लोग परेशान होंगे तो उसके पीछे ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, या तो सामाजिक रूप से सबको संपन्न, आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए, या फिर ऐसी घटनाओं के लिए अपने आप को तैयार किया जाए। इसके लिए हमें तैयार होना होगा, क्योंकि हमारे समाज में
ये जो लोग रह रहे हैं सबकी पीड़ा अलग अलग है। कोई पीड़ित होकर परेशान होकर किसी अपराध के प्रति हत्या कर देता है और कोई उस अपराध को जीवन भर सहता रहता है। उनमें से आप सभी देख सकते हैं कि भगत सिंह भी थे, उन्होंने फांसी झूल ली किसके लिए, पूरे देश की आजादी के लिए। उन्हें भी देश की गुलामी के, देश में बहुत सारे उस समय लोग थे, क्या उनके मन में पीड़ा नहीं थी कि हमारा देश आजाद हो, लेकिन वो सभी नहीं बन पाए। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के लिए आगे बढ़ते हैं अपनी जान माल की चिंता ना करते हुए। तो हमें ऐसे परिस्थितियों को भी ना आने दे, हमें ऐसी परिस्थितियों को समझना होगा। लेकिन हमारी गोदी मीडिया क्या करती है, इसमें देखिए मैं जनसत्ता न्यूज क्या लिख रही है, लोकसभा सिक्योरिटी ब्रेक, संसद की सुरक्षा चूक मामले को लेकर एक्शन में। देखिए संसद में घुसे दो संदिग्धों को किसने पकड़ा, उनसे खुद जानिए यूको के पास। देखिए कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, संसद की सुरक्षा में भारी चूक, दो घटनाएं, चार गिरफ्तार, लोकसभा में धुआं ही धुआं, जबकि वो कलर था, धुआं नहीं था। अब लोकसभा में घुसे युवक को सांसदों ने मिलकर घेरा, फिर जमकर की पिटाई। देखिए आप सुनते जाइए क्या हमारे समाज में हो रहा है, इन सांसदों को भी ये करना चाहिए था। संसद सिक्योरिटी ब्रेक के छह किरदार, दो ने संसद में हंगामा, दो ने बाहर प्रदर्शन। कौन है संसद के भीतर बाहर धुआं स्प्रे कर हंगामा करने वाले युवक युवती, संसद की सुरक्षा में लगाई सेन। अब खबरें सुनते रहिए, संसद की सुरक्षा में भारी चूक, बीच कार्यवाही में संसद में घुसे दो युवक, स्मोक पाउडर के साथ संसद में कैसे घुसे, नई संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, दो लोग दर्शक दीर्घा में कूदे और पीले रंग का धुआं छोड़ा, सांसदों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल, भवन में घुसे दो। देखिए किसी चैनल ने ये नहीं आवाज उठाई है कि आखिर ये जो युवक थे या युवती थी, आखिर उनकी समस्या क्या थी, आखिर इतना बड़ा निर्णय उन्हें लेना क्यों पड़ा। ये सामाजिक अध्ययन का विषय है, वो वहां पर बैठे हुए लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं, वहां पर ऐसे लोग कैसे पहुंच गए। अगर वो आतंकी होते, संदिग्ध होते, तो वो वहां पर बम लेके जाते, और पहली बात वहां पर जितने भी माननीय बैठे हुए थे, अगर ये संदिग्ध थे, आतंकी थे, तो वहां पर बैठे हुए बहुतों के ऊपर मुकदमे भी लगे हुए हैं। जो सांसद वहां पर बैठे हुए हैं उनमें से मैं समझता हूं 40 या 45 के परसेंट सांसदों के ऊपर मुकदमे भी हैं, जो जिनमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही गंभीर मामले में निरुद्ध हैं। तो साथियों हमारे देश में ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे के हमें गूढ़ रहस्य को समझना पड़ेगा। उन्हीं आतंक छोटे जो वहाँ पे अबोध लोग गए हैं, जो अपने जीवन से और अपने जीवन परिस्थितियों से तंग आकर ऐसा दुष्कर कार्य करने गए हैं, उन्हें भी तो ये आभास होगा कि इसके बाद मेरा क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने सांसद का, जो भाजपा का सांसद है, उसके पास से वो अंदर विजिटर बन के गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो ऐसे अंदर घुस गए जबरदस्ती, या किसी सरकार को धोखा दे के चले गए, वो वहाँ पे सिक्योरिटी को धोखा दे के चले गए। तो सबसे पहले यहाँ पर उस सांसद का जो पास लगा है वह उनके भरोसे का होगा, तभी वहाँ पर उसने पास दिया है। हो सकता है वो सांसद भी चाहता हो कि बेरोजगारी के प्रति पूरे सरकार का ध्यान देश के बेरोजगारों के ऊपर जाए। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और जब हम इस समस्या को नहीं समझेंगे तो ऐसी घटनाएं, आज स्मोक पाउडर लेके वो बालक गया है, कोई कल को मानव बम लेके जा सकता है, तो ऐसी घटनाओं से हमें बचना होगा। अपने देश को, युवाओं को, जो इस तरह जीने से अच्छा वह सोचेगा कि अब बेहतर है कि लोग आत्मदाह कर लेते हैं, ऐसी घटनाएं कर देते हैं, तो जब सरकार उन बेरोजगारों के लिए सोचेगी तो कोई भी हमारे देश में अपने ही लोगों के प्रति ऐसी भावनाएं लाने का काम नहीं करेगा। क्योंकि यह सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। पहला संदेश है कि सरकार संसद की सुरक्षा के प्रति सचेत हो जाए। नंबर दो, सरकार उन बेरोजगारों को जो ऐसी परिस्थिति तक पहुंच जाते हैं, उनको ऐसी परिस्थिति तक पहुंचने के लिए मजबूर ना करे, यह सरकार को भी करना होगा। और
तीसरा सबसे बड़ा जो सवाल है कि हमारे जो वहां पर माननीय बैठे हुए हैं वह आतंकी गतिविधियों में खुद लिप्त ना हो, कानून पर भरोसा रखें और जो काम कानून का है वह उन्हें करने दें। चौथा, हमारे देश की जो मीडिया है यह कुत्तों की तरह लड़ाई करना छोड़ दे, तो और जो जरूरत की चीजें हैं वही न्यूज चैनलों पर दिखाए तो हमारा देश सुधर सकता है, वरना जो परिस्थितियां हमारे देश में चल रही हैं वह बहुत ही खतरनाक और दुश्वर जीवन की ओर जा रही हैं। लेकिन हमारा ये जो सरकार है या हमारे जो माननीय हैं और ये जो हमारा मीडिया चैनल है यह बिल्कुल समझने को तैयार नहीं है, वह केवल केवल टीआरपी के लिए ऐसे मुद्दों की तलाश में लगा रहता है कि उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। तो साथियों, हमारे देश में ये जो विषम परिस्थितियां आ रही हैं, इन विषम परिस्थितियों से बचने के लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा और रोजगार जैसी खतरनाक समस्या को सुलझाना होगा और इसे इसका निराकरण करना होगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ, यदि आपको लगता है कि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या का निराकरण होना बहुत जरूरी है तो लाइक करिए, और जो साथी चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी सरकार की चूक है कि वह ऐसी परिस्थिति को सरकार ने जन्म दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो देश और जनता की बात है उसी के जनता के मन की बात के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी उन्नति और विकास के लिए ही आवाज उठाएंगे और बात करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।